नमस्कार, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसेक्ट वाइट ग्रब सफ़ेद लट के ऊपर बात करेंगे। सफ़ेद लट मेनली खरीफ सीज़न में और जहां हल्की ज़मीनें हैं, बालू का अंश ज़्यादा है, उस एरिया में खरीफ की ज़्यादातर फसलों में हमें ये परेशान करता है। इस वीडियो रिपोर्ट में हम समझेंगे कि ये वाइट ग्रब या जो सफ़ेद लट है, ये कैसे फसलों में नुकसान करती है और क्या इसका प्रभावी इलाज है। किसान भाइयों, सफ़ेद लट आपने देखा होगा कि इस जो इसकी बीटल होती है वो आपको भूरे रंग की दिखती है, जब बारिश स्टार्ट होती है उसके साथ ही ये आती है। मेनली ये रात्रिचर होता है, रात के समय एक्टिव रहता है। जो बड़े पेड़ होते हैं, आपका नीम का, बबूल का, खेजड़ी का या अमरूद वगैरह का फ्रूट प्लांट है, उनके ऊपर जाएगी, बैठेगी, वहाँ उनको उनकी पत्तियों को फीड करेगी और उसके बाद में ये मेटिंग करेगी और कुछ समय बाद में ये ज़मीन में जाके अंडे देगी। और इस अंडे से जो वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की, क्रीमी वाइट कलर की एक लट निकलेगी और वो आप देखेंगे कि अंग्रेजी के सी आकार में यूं मुड़ी हुई 2-3 सेंटीमीटर लंबी लट होगी। वो जड़ों को ख़त्म करती है खरीफ फसलों की। आप पौधे को जड़ों में नीचे से देख नहीं पाएंगे, ऊपर से कैसे देखेंगे? तो उसका सिंपल है कि जब आपको लाइन में या तो पौधे सूखे दिखाई दे रहे हैं या कुछ पेचेज में यदि पौधे सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सूखना भी इसमें पीलापन लेके वैसे नहीं सूखता, इसमें पौधा पीलापन लेके इस हिसाब से सूखेगा जैसे मतलब कोई धब्बे नहीं होंगे पत्तियों पे, आपको ऐसा लगेगा कि इस पौधे में पानी की कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो रूट को डैमेज कर देगी। और फिर यदि ऐसे प्लांट के नीचे आप खोदेंगे, 3-4 अंगुल आप खोद के देखेंगे, तो वहाँ आपको ये सी आकार की क्रीमी वाइट कलर की ये लट आपको मिलेगी। तो इस लट को कंट्रोल करना यदि ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो इतना आसान नहीं है। सबसे पहला हमें बीज उपचार इमिडाक्लोरपिड से करके बोना चाहिए, 15-20 दिन तक आपकी फसल को ये सुरक्षित रखेगा। उसके बाद में आपको यदि फ्रिक्वेंटली आपकी ये समस्या आती है तो सिंपली जो दानेदार आपका क्लोरीपाइरिफॉस आता है वो, या जो रिजेंट फिप्रोनिल 0.3% आता है 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से, आप खेत में भुरक दें। कब भुरकें? या तो आपके बहुत ज़्यादा रेगुलरली इसका इन्फेस्टेशन हो रहा है खेतों में, तो आप बुआई के समय, बुआई करने के पहले आप खेत के अंदर डाल सकते हो। और यदि आपने बीज उपचार किया है तो आपको ये 15-20 दिन तक आप बीज उपचार आपकी फसल को थोड़ा मतलब बचा के रखेगी। तो आप जब निंदाई करें या डोरा निकालें, कुल्पा निकालें, उस समय वो ऑपरेशन डोरा कुल्पा या निंदाई करने के पहले आप खेत के अंदर ये जो दानेदार इंसेक्टिसाइड है ये आप फेंक देंगे तो अच्छा है। लेकिन ये दानेदार इंसेक्टिसाइड फेंकें उसके बाद में खेत में नमी रहे तब ये प्रभावी काम करते हैं। और बेहतर तो ये होता है ऐसे समय में हम डालें कि ये डालने के बाद में बारिश हो जाए तो ये नीचे तक जाएगी और वो इंसेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपके खेत में ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि आपके खेत में नमी कम है और आपके इन्फेस्टेशन है और अभी बारिश भी नहीं होने वाली है, तो उस केस में आप पत्तियों पर फोलियर स्प्रे इंसेक्टिसाइड का कर सकते हो। उसमें सबसे सिंपल तो आप क्लोरीपाइरिफॉस जो 20% आपका आता है वो 1.25 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से स्प्रे कर दें। पर स्प्रे में ध्यान ये रखना है कि पौधा एकदम आपका तर गीला होना चाहिए, कम से कम एक हेक्टर एरिया में 500 लीटर पानी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पौधा गीला होगा उसके सिस्टम के थ्रू उसके प्लांट की रूट के अंदर जाएगी और उसको जब वो फीड करेगी तब वो ख़त्म होगी आपकी। तो मतलब एकदम से तर आपका पौधा गीला होना चाहिए, ज़मीन के ऊपर भी अच्छे से गिर जाए इंसेक्टिसाइड तो अच्छा है। और क्लोरीपाइरिफॉस के अलावा एक नया मॉलिक्यूल है, थोड़ा महंगा लेकिन बहुत प्रभावी है, वो है आपका फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरपिड। आई थिंक 300 ग्राम के आसपास इसकी डोज है प्रति हेक्टर के हिसाब से, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ये आप स्प्रे कर सकते हो। यदि वाइट ग्रब का सामान्य इन्फेस्टेशन है तो आपकी ये स्ट्रेटेजी चल जाएगी, लेकिन यदि आपके रेगुलर इन्फेस्टेशन होता है और आपकी हल्की ज़मीनें हैं और आपके इसके जो लविंग क्रॉप्स हैं जैसे आपकी मूंगफली है, गन्ना है, इस टाइप की क्रॉप आप ले रहे हो, तो उस एरिया में आपको थोड़ा और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको करना क्या है कि बारिश जो फर्स्ट होती है आपकी मानसून की, उसमें इसका जब बीटल निकलता है, उड़ता है और बेड़ों पेड़ों पर बैठता है, तो आपको उस टाइम थोड़ा इसको वॉच करना है। यदि पेड़ की पत्तियों को खा रहा है और रात के समय में इंसेक्ट की इसकी एक्टिविटी आपको दिख रही है, तो आपको एक तो लाइट ट्रैप लगानी चाहिए, नीचे केरोसिन वगैरह रख सकते हो उसके लिए, या आप इसके फेरोमोन ट्रैप आते हैं वो भी रख सकते हो। कुछ इसके लिए बायोलॉजिकल बायो फंजीसाइड आती हैं जैसे ब्यूवेरिया वगैरह, वो भी आप खेत में गोबर में मिला के आप डाल सकते हो। तो वो और उसके बाद में जो सीड ट्रीटमेंट और जो स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर आप यदि स्प्रे करना है तो आप क्लोरोपाइरिफॉस 1.25 से 1.5 लीटर या फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरपिड का जो मिक्सर आता है वो उसका स्प्रे करें। और यदि आपको
खेत में भुरकना है तो आप सिंपल क्लोरीपाइरीफॉस दानेदार आता है तो वो जनरली क्लोरीपाइरीफॉस जो दानेदार आता है वो मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं है, मिलता नहीं है, थोड़ा पुराना भी हो गया है। तो आप रीजेंट जो फिप्रोनिल 0.3% आता है वो 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से खेत में भुरक दें। लेकिन इस इंसेक्ट के बारे में आप अवेयर रहें, ज़्यादा जहाँ इन्फेस्टेशन होता है वहाँ ये बोर्डा डैमेज करता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।